Tere ruh se
तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा जैसे जैसे खुदा का रूह आपको छूता जा रहा है,
आप अपनी बलि दवा से खुदा का शुक्रिया अदा करना शुरू करें तो फिर आदि हाथ में ना कला रबे का तमाला सुना रहा था पुराना भैया हालेलुया रबा या खाना बल क्या खाना बल सुना रबा टेक कंट्रोल रबा खुदा कंट्रोल दे रहे हैं अब सारे में करा हाथ अपना कंट्रोल तुझे दे रहे हैं सारे ग्राउंड का कंट्रोल हमने तुझे दिया हुआ है एक एक बहन भाई का बेटे बेटी का कंट्रोल हमने तुझे दिया हुआ हमने कितने लोग हमारी सिक्योरिटी में है टिकट कैंसिल करने वाले हैं बहन भाई है शायद खुदा ईमानदार है खुदा हार है हम उनका कंट्रोल तेरे हाथों में दे चुके हैं ओ हालेलुया हालेलुया तेरा शुक्र होगा दोनों कभी रास्ते में यीशु के नाम में हम उनका कंट्रोल भी तेरे हाथ में लेते हैं ताकि यीशु के नाम में वो पढ़ के हम पहुंचे ताकि कलाम की बरकत से शेर होकर मजबूत हो जाए रब का शिका का हमारा सुंदर रब बोला रही का ना करी तेरा शुक्र हो खुदा हूं तुम इस वक्त हम तेरी आवाज सुनने के लिए तैयार फरमा क्योंकि तेरे बंदे और तेरी बंदियां सुनने के लिए तैयार है तेरी हजूरी के लिए तेरी कुदरत के लिए तेरे मसा के लिए जो हमारे भवनों में दाखिल हो रहा है हमारी रूह में दाखिल हो रहा है हमारी जानों में दाखिल हो रहा है इसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आए खुदा फरमा हम तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं हमारे रूहानी कानों को खोल दें खुदा ताकि हम तेरी आवाज़ को सुने इसी के दौरान हमारी रूहानी आंखों को भी खोल दें हमारे दिल की आंखों को भी खोल दें ताकि खुदा तुझे देख सकें हम तेरा तजर्बा कर सकें हम आगे बढ़ सकें और तेरे नाम को जलाल दे सके बाप के सब कुछ हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा के सुसी के वसीला से मांग कर पा लेते हैं आमीन आमीन तशरीफ रखिए सबसे पहले हम खुदा बाप बेटे और रूह से शुक्रगुजार हैं जिसने बड़ा रहम किया पिछले हफ्ते में सुनने में आया कि काफी बारिश के चांसेस हैं और हम बड़े परेशान हो गए फिर एकदम हमने कहा हमारा मुकाबला शुरू हो गया है जैसे फसल में आता है बारिश फिर दोबारा शुरू हो जाती है एक दो दिन पहले लेकिन हम खुदा के शुक्रगुजार हैं आप सबकी दुआओं के जवाब में खुदा हमने एक खूबसूरत वेदर हमें दिया है जोरदार तालियां शुक्रगुजार के तौर पर खुदा उसने हमारे लिए अच्छा मौसम दिया है और अच्छे तरीके से आज बहुत से लोग आए हैं आप यीशु के नाम में तमाम बहन भाइयों को खिदमतगुजार बहन भाइयों को बेटे बेटियों को दुआ करने वालों को और हमारे साथ मिलकर इस मीटिंग में रेगुलर शामिल होने वालों को और विजिटर्स को भी हम वेलकम करते हैं खुशामदीद कहते हैं खुदा ने आपको यहाँ लाया कि हमारा ईमान है कि यू आर नॉट हियर जस्ट बाय चांस आप यहाँ पर बाय चांस अचानक नहीं आ गए गॉड हैज अ वेरी स्पेशल पर्पस फॉर यू एंड फॉर मी खुदा के सामने आपके लिए और मेरे लिए को खास मकसद है रिमेंबर सैतान ट्राइज टू स्टॉप द पीपल टू कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड शैतान कोशिश करता है कि खुदा के लोगों को उसकी हजूरी में ना आने दे और उसके लिए वो पूरी उसकी कोशिश होती है कि वो घर से ही और किसी तरह से हमें खुदा के हुजूर में ना आने दे और दूसरी बात ये होती है कि जब हम आ जाते हैं तो याद रहे कि खुदा भी जहाँ मौजूद होता है कलाम में लिखा है जब खुदा के बेटे बेटियां खुदा के हुजूर में आए और यूं भी आया तो शैतान भी उनके साथ आ गया बहुत लोग ये समझते हैं कि जहाँ खुदा की हुजूरी होती है वहां शैतान नहीं होता हमने ये चीजें बहुत देर से देखी कि यहाँ पर ही कई लोग अभी तक बैठे होंगे जिनके अंदर जादूगरी की हुए अभी तक क्योंकि वो पूरे तौर से ईमान पर खड़े नहीं हुए अभी तक वो आजाद होने के लिए तैयार नहीं हुए वो वहीं बैठी होती हैं और वो मीटिंग में बैठी रहती हैं और कभी कभी शैतान जो है मुख्त तरीकों से कलाम के दौरान भी हमें डिस्टर्ब करके हमारे जहन को चीजों को खुदा से डराकर कलाम से डराकर और खुदा की तरफ पूरी तवज्जो से डराकर हमें रोकता है ताकि वो बड़ी बरकत जो खुदा हमें देना चाहता है वो हमें ना मिले लेकिन याद रहे कि बरकत उनको मिलती है जो खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे को तपते हैं क्योंकि जितने ने उसे देखा उसके चेहरा देखता है वो मुनव्वर हो जाता है इसलिए हम जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम खुदा की आवाज भी सुने और उसके चेहरे की तलाश करें खुदा से खुदा के चेहरे को देखें कि खुदा मेरे पे जहर कर अपना आप और मेरे साथ कलाम कर और आपकी जो मुश्किल है उसके लिए खुदा अपने चेहरे के नूर से आपको आजाद करेगा क्योंकि वो आपके चेहरे को अपने नूर को जो जलवा कर करता है उससे आजाद कर देगा आपकी जिंदगी को आपके गुनाहों को धो देगा आपकी बीमारियों को दूर कर देगा इसलिए याद रहे कि सबसे पहला जो जरूरी फार्मूला है कि शैतान को आपने शिकस्त दी है आप फतह पा कर यहाँ तक आए हैं अब आपने अगले हिस्से में शिकस्त देनी है कि जितनी देर आप यहाँ पर ठहरे आपके किसी की डिस्टर्बेंस में नहीं आना आपके घर के लिए नहीं सोचना क्या हो रहा है कुछ नहीं होगा मैं आपको बता दूं घर वाले जैसे छोड़ के आए हैं ना वो बेहतर हो सकते हैं बुरे नहीं होंगे शैतान आपके दिमाग में डालेगा वहां ये हो जाएगा ऐसे हो जाएगा आपके फ्यूचर के लिए आपके कल के लिए आने वाले दिनों के लिए आपके दिमाग में नेगेटिव बातें डालेगा लेकिन आप यहाँ ईमान पर खड़े हो जाना है शैतान
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब हम यीशु के साथ खड़े हैं। जब हम यीशु हमारी कश्ती में होता है तो शैतान हमारी कश्ती को, हमारी जिंदगी को डुबो नहीं सकता, चाहे कैसे भी बड़े तूफान आए। इसलिए याद रहे, इस वक्त आपकी निगाहें जो है वो शैतान की बातों पर, उसके ख्याल पर, उसकी सोचों पर, नहते बातों पर ना हो, बल्कि आपका ध्यान जो है वो आपके और मेरे खुदावंद, जो फतेहमंद खुदावंद है, जो कादिर-ए-मुतलक जो खुदा है, जो तमाम चीजों का खालिक और मालिक है, जो सब चीजों को नया बनाना जानता है, जो वो चीजें जो नहीं है उनको ऐसे बना लेता है जैसे कि वो है, वो नेस्ते हस्त चीजों को ले आता है, यानी जो चीजें नहीं होती उनको बना लेता है। अगर आपके कोई अज़ाब में कमी है, कोई अज़ाब में कोई ऐसी चीज नहीं है, अगर आप ही मान लाएंगे तो आज खुदा आपकी जिंदगी में नए अज़ाब को बना देगा। हमने बेशुमार नए अज़ाब डलते हुए, यानी शख्सी तौर पर आपकी जिंदगी में और बेशुमार लोगों की जिंदगी में, ना सिर्फ हमारी मीटिंग, मैं इसलिए बताता हूँ, कभी कभी हम बड़ा फखर करते हैं सिर्फ हमारी मीटिंग में शायद ऐसा होता नहीं। खुदा आज दुनिया में बेशुमार खादमों के वसीला से, बेटे बेटियों के वसीला से और डायरेक्टली खुदा लोगों के दुआओं के जवाब में नए अज़ाब डालता है और उससे बहुत लोगों के डाले हैं और बहुत सी दुआइयां मौजूद है। आज आपकी गुआई आपको नहीं दूंगा, तो मैं कई बार दे चुका हूँ कि खुदा ने मुख्तलिफ से मुझे कई अज़ाब नए दिए। जब मेरे अज़ाब बिल्कुल लागर हो गए थे, डॉक्टर लिहाज से खत्म हो गए थे और आज तक वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, खुदा का शुक्र हो। यहाँ और भी लोगों के पुराने लोगों के फेफड़े डाले हैं, पुराने लोगों के नए फेफड़े के अलावा खुदा ने किडनी से बना दिए, पुराने पथरिया लाए काट दी और खुदा जो ये काम आज भी करने पर कादर है, क्योंकि मेरा आपका खुदा कल आज पर गया बात अध्यक्ष है। आज हमने खास मजमून सीखना है, अगर आप ये सीख गए और आप इस पर गौर करते रहे और इसके मुताबिक आप ईमान पर खड़े हो गए, तो मैं आपको बताऊं क्या होने वाला है। इस साल में आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन यानी इंकलाब आ जाएगा। खुदा मेरे मुंह में जो कलाम डाल रहा है इसको आप टीवी पर, फेसबुक पर भी देख सकते हैं और वैसे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप ले सकते हैं इसकी कैसेट भी दफ्तर से और आपको पता लगेगा, आप फिर सच देख सकते हैं उसको और आप उसको रख लो और नोट कर लो। मैं आपको जो कह रहा हूँ, अगर आज के कलाम की आपको समझ आ गई और आपने उसको कबूल कर लिया और उस कलाम के मुताबिक अमल कर लिया, तो इस साल में आपकी जिंदगी में एक ऐसी चेंज, एक ऐसा तब्दीली, एक ऐसा इंकलाब, एक ऐसी बड़ी, बहुत बड़ी तब्दीली, जो इसको इंकलाब कहते हैं, तब्दील हो जाएंगे आपके हालात, तब्दील हो जाएंगे आपकी जिंदगी, तब्दील हो जाएगी। क्योंकि आज का कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है वो है नो योर पोजीशन इन जीसस क्राइस्ट। खुदा के सुरसी में अपनी हैसियत को पहचान लिया, अपनी जगह को पहचानी है, यीशु मसीह ने अपनी जगह को पहचानी है और अगर आप उसको पहचान गए और अगर आप समझ गए और आप उस पर खड़े हो गए उस कलाम पर, तो आज से शुरू हो जाएंगे मौजदात और मौजदात होते चले जाएंगे और पढ़ते चले जाएंगे और आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल नए तौर पर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आइए, आज की जो आज खुदा ने मेरे सामने रखी है, हम पढ़ेंगे इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी तीन आयत और चार आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है इफिसियों की पहला बाब उसकी तीन आयत और चार आयत, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी, चुनाचे उसने हमको बनाए अलग से पेशकर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेआब हों। खुदा के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत मिले, आमीन। इसमें आपको सबसे पहले इस बात पर गौर करना है, वो ये है कि पौलुस रसूल दूसरी आयत में और कैसे इसी आयत को पेश करता है, और अगर दूसरी आयत पढ़ते वाले का मारे बाप, यानी कि पौलुस खुदा के मुकद्दसों के साथ मिलकर खुदा बाप को अपना बाप कह रहा है, हमारे बाप खुदा और खुदा के सुसी की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, वो अपना बाप बना चुका है, उसका तल्लुक खुदा के साथ वही हो चुका है जो यीशु मसीह का है। यीशु मसीह खुदा का हकीकी बेटा है और जैसे हम आगे पढ़ते हैं उसने हमें ले पालक होने के लिए बुला लिया, उसने हमें
ले लिया है, उसने हमें अडॉप्ट कर लिया है। तो खुदा के दो किस्म के बेटे हम यहाँ पर नजर आते हैं, एक तो खुदा यसूसी जो खुदा की जात में से जात है, जो खुदा का हकीकी बेटा है, जो खुदा है, जो उसकी सारी खूबियां रखता है, जो लामहदूद है, काबिल मुतलक है, हर जगह पर मौजूद है और सब कुछ करने पर कादर भी है, और वो सब को जानता भी है, और वो एक ही वक्त में लाखों करोड़ों लोगों को नजर भी आ सकता है। इसलिए याद रखें कि वो बात ये कर रहा है कि यीशु मसीह की शख्सियत की बात कर रहा है, यीशु मसीह जो इस दुनिया में जिस्म लेकर आया उसकी वो बात कर रहा है। दूसरी आयत में वो बताना ये जाता है, यीशु मसीह की पहली सीरत उसने बताई है कि वो खुदा है, और जैसे खुदा बाप है वैसे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से, यानी खुदा होने की सीरत में यीशु का जिक्र करता है। तीसरी आयत में वो कहता है हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या बात है, एक वक्त यीशु मसीह खुदा है, दूसरी वक्त यीशु मसीह का खुदा है, क्योंकि ये बड़ा टेढ़ा मसला था जो आम लोगों को नहीं पता है। मैं बारह इसका जिक्र करते हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा। पहली बात याद रखिए, हम ईमान रखते हैं कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा बाप बेटा और रूह कुद्दस एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली दुनिया में जाहिर होते हैं। खुदा तीन तरीकों से तीन पर्सन में एट ए टाइम खुदा होने की हैसियत में, लामहदूद होने की हैसियत में अपने आप को जाहिर करता है। एक ही वक्त में वो बाप की तरह काम कर रहा होता है, और एक ही तरह से फिर वो बेटे की तरह के साथ काम कर रहा होता है, और वो रूह कुद्दस की शक्ल में काम कर रहा होता है। जब खुदा बाप की शक्ल में काम करता है वो उस नूर में रहता है जिसकी कोई रसाई नहीं है, वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, और वो इस कदर जलाली और कुदरत से भरा है कि उसके हुजूर में जाना नामुमकिन है। कोई ना बाप शख्स वहां दाखिल नहीं हो सकता, कोई उसकी हुजूरी में नहीं जाता जो हाईएस्ट थ्रोन ऑफ गॉड है, खुदा का जो सबसे ऊंचा तख्त है, उसका जलाली तख्त है रूहानी आलम में। याद रखिए जिस्मानी आलम से रूहानी आलम ज्यादा ऊंचा है, और बेशुमार लोग नहीं जानते कि रूहानी आलम जिस्मानी आलम पर इस दुनिया पर राज करता है, ना कि जिस्मानी आलम रूहानी आलम पर राज करने की कोशिश कर रहा है। शैतान जो है वो इस दुनिया को भार रहा है कि तुम खुदा से भी ज्यादा ऊंचे हो सकते हो, क्योंकि शैतान ने भी यही कोशिश की थी कि वो खुदा से जो कादर मुतलक खुदा है लामहदूद खुदा उससे ऊपर अपना तख्त बनाए। सबके ऊपर खुदा बाप का तख्त है, और उसके साथ खुदा बेटे की शक्ल में काम करता है, जाहिर होता है एक ही वक्त में। इसलिए खुदा यीशु मसीह के मुतालिक हम ज्यादा जानेंगे। तीसरी सियत में जब खुदा काम करना चाहता है, अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है, क्रिएशन करना चाहता है, तख्लीक का काम करता है, कोई भी रूहानी आलम बनाता है, जिस्मानी बनाता है, हिकमत की बातें, वो रूह कुद्दस के वसीला से मखलूकात में, तख्लीक में, क्रिएशन में अपने आप को जाहिर करता है। इसलिए याद रखें खुदा एक ही है, लेकिन वो एक ही रखने के तो वो एक का मतलब है वो यूनिक है, उस जैसा कोई नहीं है। एक का मतलब ये नहीं है कि वो हमारी तरह वन है। मैं एक दफा पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब हम वन की बात करते हैं तो हम अगर तीन चीजें कहना चाहते हैं तो फर्ज करो हम कहते हैं ये तीन चीजें हैं, एक चीज ये है और एक चीज ये है, एक जमा एक और तीसरी चीज हम एन को ले लेते हैं, ये तीसरी चीज है। तो ये आपको पता कि इनमें क्या हो रहा है, ये भी महदूद है, इसकी हद है, इसलिए इसके लिए एक लफ्ज इसको बोला जाता है। एक जमीन है, एक सैयारा है, एक सतारा है, और एक इंसान है, एक टेबल है, एक कुर्सी है, इसका उसके हाथ में करर है, एक कार है उसके हाथ में करर है, इसका मतलब है इसको हम एक कह सकते हैं। उसके बाद ये भी एक है क्योंकि इसकी भी एक हद है, और इसको क्योंकि इस वजह से धूल की वजह से तो कहा जाता है एक बोतल है, इसी तरह से हम इसको भी एक कहते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि ये नंबर के लिहाज से ये एक है क्योंकि ये महदूद है। और इस तरह की अगर और बहुत सी आंकड़े पड़ी होती तो आप कहते हैं दो अंके हैं, तीन अंक है, चार अंक है, दस अंक है, लेकिन खुदा के लिए ये कर्म इस्तेमाल नहीं हम कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मेरा आपका खुदा लामहदूद है। लामहदूद समझते हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। आसमान और जमीन तो उसके सामने कुछ भी नहीं, वो तो खुद उनका बनाने वाला है, वो रूहानी और जिस्मानी आलम का बनाने वाला है। खुदा जो है, खुदा को ये जिस्मानी और रूहानी आलम नहीं काम का, बल्कि खुदा के खादिम बहुत बड़े खादिम जो दुनिया में गुजरे हैं, बिली ग्राहम, उसने कहा कि खुदा जो है, और यही बेनिहिन ने भी इसको रिपीट किया कि खुदा जो है ये दुनिया खुदा को नहीं संभालती बल्कि खुदा दुनिया को संभालता है, क्योंकि वो इस सारी कायनात से बड़ा है, वो रूहानी आलम से बड़ा है, और वो सारी चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। मेरा आपका खुदा लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है, इसलिए ना उस पर कोई कानून लगता है,
He's the King of Kings. वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदा है, और वो उस पर कोई कानून नहीं लगा सकते आप कि जी एक जगह एक जगह होगा तो तीन हो जाएगा. नहीं, वो एक है कि वो एक का मतलब यूनिक है, दूसरे से यकता है, डिफरेंट है. और ऐसा खुदा एक बहुत सच्चा खुदा है, और वो सच्चा खुदा लामहदूद है. इसलिए हम जब खुदा की बात करते हैं तो उसके लिए हम जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ. हम एक लफ्ज बोला जाता है ट्रिनिटी, ऐसे आठ को उल्टा कर लो मुंह खुला हो, ऐसे करके आठ पूरा नहीं बोलना, ऐसा लगता दो आठ को, उसको ट्रिनिटी कहते हैं. ट्रिनिटी का मतलब लामहदूद, और लामहदूद को क्या है, लामहदूद प्लस लामहदूद प्लस लामहदूद करा तो इक्वल टू लामहदूद ही जवाब आएगा, क्योंकि खुदा एक ही है. खुदा बाप की शक्ल में भी लामहदूद है, बेटे की शक्ल में भी लामहदूद है, और रूह कुदस की शक्ल में भी लामहदूद है. हालेलुया. मेरा रब्बा खुदावंद हम यीशु मसीह के अंदर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है बाप और बेटे के रिश्ते को समझना. क्यों यीशु मसीह को बेटा कहा गया, यीशु मसीह क्यों कई दफा ये कहा गया कि बाप मुझसे बड़ा है, लोग इस बात को नहीं समझते. और ये जरूरी है दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को जो मसीह को कबूल नहीं कर रहे, जबकि यीशु बहुत जल्द आने वाला है और उनको निजात की जरूरत है, उनको जहन्नम से बचने के लिए यीशु के पास आने की जरूरत है. इसलिए ये बताना जरूरी है. और हमारे छोटे से छोटे बहन भाई को, अनपढ़ को, पढ़े लिखे को, हर को इसकी बात की समझ आनी चाहिए. सादा बातें हैं. मैं बहुत बहने बड़े बड़े लफ्ज बोल ना मुझे आते हैं ना मैं बोलता हूँ, खुदा ने मुझे ऐसे रखा है, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ सादा तरीका है. खुदा एक है, बाप की शक्ल में भी एक ही अपने नाम करता है, बेटे की शक्ल में रूल की शक्ल में. लेकिन जब वो बेटे की शक्ल में अपने आप को जाहिर करता है, उसने क्यों बेटे की शक्ल में अपनी पर्सन को जाहिर किया है, क्योंकि उसमें वो अपने आप को दो मुख्तलिफ हिस्सियतों में जाहिर करेगा. एक तो वो रूहानी हिस्सियत में खुदा है, यीशु मसीह खुदा है, और जैसा मैंने अभी पढ़ा खुदावंद है, खुदा है, एक ही खुदावंद है. और याद रखे कि वो लामहदूद है. और मैं आपको बताऊंगा कि जमीन पर आने से पहले यीशु मसीह लामहदूद था, क्योंकि वो अजली है, खुदा अजली है, और यीशु मसीह भी अजली है, उसका कलमा भी अजली है, वो शख्सियत भी अजली है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसको कलमे का नाम दे दिया गया, जिसको कोई और नाम दे सकते हैं, बेटे का नाम दिया गया, उसके बहुत से नाम दिए गए, वो असली है और वो अपनी भी है. लेकिन याद रखें जब वो खुदा की सियत में है तो वो लामहदूद था, लेकिन कुछ देर के लिए खास मकसद तहत खुदा बेटे ने, खुदा बाप में नहीं, खुदा रूह ने नहीं, रूह को उसकी शक्ल में नहीं, बाप की शक्ल में नहीं, बेटे की शक्ल में, उसने मेरी और आपकी खातिर, तमाम गुनाहगारों की खातिर, खुदा के बनाए हुए सुलों के मुताबिक उसने अपने आप को महदूद कर दिया. अब महदूद हो गया, यहां से लेकर यहां तक एक टाइम है. वो टाइम कौन सा है, जिसके रूल कुदस मुकदसा मरियम पर, खुदा की बंदी पर, जो खुदा की तरफ से चुनी गई इस काम के लिए, जो मुकदसा थी, और फरिश्ता के जरिए पैगाम मिला कि रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी. इस सबब से वो महदूद मुकदस खुदा का बेटा कहलाएगा, ताकि उसे पता लगे ये जो उसके जिस समय पैदा होने वाला है ये इंसान नहीं है, ये इंसान बन रहा है, ये अजली है, और ये कलमा मुजस्सम होकर मरियम के पेट में जिस दिन रूह कुदस उस पर नाजल हुआ, खुदा की कुदरत उस पर साया की, उस दिन से वो उसका शुरू हुआ. यीशु का जिस्म का शुरू, उसके जिस्मानियत का शुरू. यीशु मसीह की दो हैसियतें हैं, एक अलाही हैसियत में वो खुदा है और अब वो इंसान बना हमारी खातिर, और मरियम के पेट से लेकर नौ महीने या चंद दिन कम भी हो सकता है, कम बेश दिन हो सकता है, लेकिन वो रहा और फिर वो पैदा हुआ. फिर वो पैदा होकर 30 साल तक अपने माँ बाप के ताबे रहा, और फिर उसके बाद 3.5 साल तक बनाती करता रहा. तो टोटली इस एरिया में 33.5 साल प्लस वो 9 महीने जो वो अपनी माँ के पेट में रहा, वो महदूद रहा, वो इंसानों की तरह रहा. आप हैरान रहेंगे उसकी हैसियत जो जात की, उसको कहते हैं बशरियत का मतलब इंसान की शक्ल में. अब खुदा यीशु मसीह की दो हैसियतें हैं, एक हैसियत अलाही है, जब वो खुदा है तो वो अला महदूद है, लेकिन जब वो इंसान है तो वो महदूद है. कुछ लोगों ने सवाल किया यूट्यूब पर भी, तुम तो जवाब दीजिए, आपको मुकाशफा की जरूरत है, आपको समझ की जरूरत है. वो कहते हैं कि खुदा खुदा से दुआ कैसे करेगा. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खुदा खुदा से दुआ नहीं कर रहा. यीशु मसीह जो है जब खुदाई से पैदा, फिर वो दुआ नहीं करता, फिर उसको किसी से दुआ करने की, वो खुदा है खुद, उसे सिर्फ बाप ने कहना हो जाना है, क्योंकि सबकी मर्जी एक है. उसे बाप ने कहना हो जाना है, क्योंकि तीनों की मर्जी एक है, क्योंकि खुदा एक ही है, उनकी मर्जी में कभी तबरका नहीं आता. जब यीशु मसीह इंसान बना तो एक रहा,
दफा जब इंसानी सियत में बशरियत के जमाने में रो रो के दुआ करता था, आंसू बहाता था, यस को दुआ करता था, लेकिन उसका तो इंसान था, काबिल इंसान था, वो भूखा भी होता था, खुदा भूखा नहीं होता। जिस्मानी सूरत में जब हमारी खातर उसने तजस्सुम इख्तियार किया, जिस्म इख्तियार किया, उन सारे दिनों में वो मौजूद रहा, उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठा। वो अपने शिगिर्दों को साबित करना चाहता था कि मैं वही यसू हूँ, वही इंसान हूँ जो तुम्हारे साथ रहा हूँ। और वो 40 दिन तक उनको नजर आता रहा और वो उस वक्त तक मौजूद रहा। उसने अपनी इलाही सियत को अभी नहीं पहना, याद रखना, उसको उसने अभी नहीं लिया धारा, क्योंकि अगर वो दोबारा ला महदूद हो जाता तो एक ही वक्त में सारे लोगों को नजर आ जाता। उसने अपने आप को महदूद शक्ल में जहर के 40 दिन तक को नजर आता रहा, और उसके बाद वो आसमान पर उठाया गया, और दोबारा वो उसकी जो जिस्मान थी, जो जिस्मान जिस्म ने खुदा का बेटा यीशु मसीह था, वो अल्लाह अलुहियत में खुदा की सूरत में दोबारा अलुहियत और कशियत मिल गई, क्योंकि मुमकिन नहीं था कि जिस बदल में खुदा की हस्ती बेटे की शक्ल में जाहिर हुई थी वो बदल महदूद रह जाता, वो कल सड़ जाता, उसके अंदर गुनाह होता, उसमें कोई गुनाह नहीं था, वो मुर्दों में से जी उठा, वो रूहानी बदल के साथ जी उठा। और जैसे वो 40 दिन के बाद ऊपर उठाया गया तो वो एक जलाली बदल में दाखिल हो गया, वो खुदा की सस्ती में दाखिल हो गया। अब एक ही वक्त में यीशु मसीह पूरी दुनिया में नजर आता है, हमारे दरमियान भी मौजूद है, और इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहीं बातें हो रही हैं, कोई रात को बैठ के कह रहा है, कोई शाम को कह रहा है, किसी की सुबह है रो रहा है, और वो उनके सामने होता है, और कलाम में लिखा जहां दो या तीन मेरे नाम पर जमा हो मैं उनके दरमियान में हूँ। हालेलुया। अब आपको यीशु की सियत का पता लगे ना, करके आज आपने मसीह में अपनी पोजीशन को समझना है। पहले हमने यीशु को तो थोड़ा समझ लिया, अब हमने यीशु की हमें समझ आ गई है। अब यीशु जो जमीन पर रहा उसका बदन भी था, इसलिए मसीह के बदन की बात की जाती है। मसीह के बदन पर बहुत ज्यादा स्टडी दी थी, इस वक्त फिर खुदा कहेगा तो मैं दूंगा कि मसीह के बदन की कितनी हैसियतें हैं, किन किन शक्लों में, किन किन तरीकों से वो मैनिफेस्ट करता रहा अपने आप को। लेकिन हम उस बदन की बात करें जो जमीन पर रहा, जो पैदा हुआ, इसने जिसम इख्तियार किया, जो सलीब पड़ाया गया, जो मारा गया, जो जिंदा हुआ, जो मौत और कब्र को फतह पाकर जी उठा, 40 दिन तक नजर आता रहा, उसके बाद वही बदन अलाही बदन बन गया और वो लामौजूद हो गया। हालेलुया। अब वो लामौजूद है, अब वो खुदा है। अब आपको समझ आ गई कि जमीन पर वो खाना भी खाता था, जमीन पर वो तकता भी था, जमीन पर वो सोता भी था, जमीन पर वो या दुआ भी करता था, क्या तो उसने हमें हमारा नमूना बनना था, हमारी खातिर काबिल इंसान बनकर उसने हमें सिखाना था कि तुम भी ऐसे कर सकते हो, और तुम मेरी पैरवी करो, और जो जो मैंने तुम्हें करके दिखा दिया है तुम भी वैसे करो, तुम भी रूह कुदस रहो, तुम भी रूह कुदस की कुदरत लेकर खुदा के बड़े बड़े काम कर सकते हो। और ये सूची कहता है ये सब धुएं जो है रूह कुदस की कुदरत से निकालता हूं। इस जमीन पर रूह कुदस की कुदरत की जरूरत होती है, क्योंकि वो कामन इंसान था। लेकिन अब उसे अब वो बाप वो कहता रूह कुदस मुझसे लेकर, पहले वो इंसान होता है रूह कुदस की कुदरत से करता था, अब रूह कुदस जो कुछ करेगा, जो सिखाएगा, जो तालीम देगा, जो जलाल दर करेगा उससे लेकर उसका जलाल दर करेगा। हालेलुया। इसलिए जब जब वो खुदा की सियत में चला गया तब उसका फर्क हो गया। अब मसीह यीशु का तालक आप सुनना चाहते थे, हमें अब पता लग गया, हम कहते हैं हमारे साथ इसका क्या तालक है। इसलिए दोनों आयतों में बड़ा फर्क है। पहले में पौलुस जो है वो बताना चाहता है हमारे बाप यानी यीशु मसीह के वसीला से हम भी खुदा के कौन से बेटे बेटियां बन गए, कौन से ले पारे, ले पारे किन को कहते हैं, डॉक्टर इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में और क्या मतलब ना, सादा लफ्ज क्या है, ले के बाद। आपको पता होगा मुझे खुदा ने दो बेटे अपने लिए हैं जिसको बायोलॉजिकल सन्स कहते हैं, तीसरा हमने अडॉप्ट किया लगी, तो ये तीन बेटे हो गए, मैं लोगों को तीन बेटे बताता हूँ, वो हमने अडॉप्ट किया है, मतबन्ना ले लिया। इसका मतलब है कि उसको वही हैसियत दे दी है जो दूसरे बेटे की है, और यीशु मसीह के वसीला से हम उसके साथ हम विरासत बना दिए गए, और बड़े बेटे, सच्चे बेटे, असली बेटे, खुदा बेटे यीशु मसीह ने यह हमारे लिए दरवाजा खोल दिया कि ये मेरे हम विरासत हो, जो कुछ मेरा है वो इनका है। हालेलुया। जो तो मैंने इनके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है, और जो कुछ ये चाहेंगे मेरे नाम से इनको बाप से मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का तजस्सुम हमारे लिए बहुत बड़ी सियत रखता है, यीशु मसीह का कुर्बान होना हमारे लिए बहुत बड़ी सियत रखता है, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है।
और आज हम देखेंगे आपने क्या करना, हमने उसको फॉलो करना, उसकी पैरवी करनी। उसने कहा जो मेरी पैरवी करेगा वो नूर में चलेगा, अंधेरे में नहीं रहेगा। जो मेरी पैरवी करेगा जिंदगी का नूर पाएगा, रोशनी पालेगा, हकीकी जिंदगी, अबदी जिंदगी, रूहानी जिंदगी वो पालेगा, और फिर वो कसरत की जिंदगी में भी दाखिल हो जाएगा। इसलिए याद रहे, आज हम देखते हैं कि पहले आयत में वो कुछ और बोल रहा है, दूसरी आयत हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। अब वो ये बात कर रहा है, उस खुदा की इबादत करो जिसकी मनाती खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर इंसान बनकर की। यहोवा खुदा थी, हम किसी और खुदा को नहीं मानते, हम उस खुदा को मानते हैं जिसके लिए यीशु ने कहा मैं और बाप एक है, फर्क नहीं है, जिसने मुझे देखा उसने हालेलुया। और यहूदियों को गुस्सा करता था जब अपने आप को खुदा का खास कहता कहता था, ये यूहन्ना की जीवनी लिखा हुआ है, वो गुस्सा करते थे और कहते थे ये अपने आप को खुदा का खास बेटा कहकर अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है, क्योंकि खुदा के बेटे की जात में और खुदा बाप की जात में कोई फर्क नहीं है। वो यही तो गुस्सा को मारने लगते हैं, पत्थरों पर लगाते रहते हैं, क्यों मुझे मारते हैं? वो कहते इसलिए मारते तो अपने आप को तेरे कामों की वजह से नहीं मारते, ये जो तू कहता है मैं खुदा का खास बेटा हूं इस वजह मुझे मारते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मसीहा और खुदा का खास बेटा ठहराता है। युद्धियों को पता था इस बात, उनका पता कि जो मसीहा आएगा वो सिर्फ आम इंसान नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर नेचुरल पावर और कुदरत से भरा हुआ होगा, वो तमाम दुनिया को कंट्रोल कर सकेगा। लेकिन पहली आमद में यीशु मसीह ने कफारा लेना था, उनके नबियों ने उनको बताया, लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी आंखें नहीं खुली। लेकिन पौलुस कहता है उनकी आंखें खुल रही हैं, 2000 साल हो गए, बहुत यहूदियों की आंखें खुली हैं। अब भी इस वक्त में कल पर तो यूट्यूब पर देखा कि एक रब्बी बता रहा है कि जो असली मसीहा है वो आ चुका है, हमने उसे नहीं समझा। उनका रबी होते हैं जैसे हमारे पादरी, बड़े बड़े फादर हमारे जो लीडर होते हैं, वो बताते हैं साथ और उनको सिखा रहा है कि आप यीशु मसीह आ चुका है, हमने उसे नहीं पहचाना, और जब आपको दोबारा पुकारेंगे अपनी मुसीबत में जब यीशु मसीह आना है तो उन्हीं के पास कोहे ज़ैतून पर वहां पर वो नीचे उतरेगा, हालेलुया, और फिर वो उसको देखेंगे। और वो नहीं मानते थे कि ये यीशु सत्य है, लेकिन फिर देखेंगे कि हमने इसे मसलूब किया था, उसके जख्म देखेंगे, उसको क्रॉस को देखेंगे, उसके चश्मे को देखेंगे खून के, वो रोएंगे और चलाएंगे अगला हमारे कैसा छाती पीटेंगे, क्योंकि जिन्हें उन्होंने छेदा था आपके बाप दादा ने वो उसको बचानेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आपका मेरा यीशु जो है वो बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए हमने आज मसीह में अपनी हैसियत को बचाना, अभी हमने मसीह को बचाना है, अभी हमने जान लिया सच्चा मसीहा कौन सा है, खुदावन यीशु मसीह नासरी सिर्फ और सिर्फ सच्चा मसीहा है। और आपको पता होगा यहूदी आज का कोशिश कर रहे हैं सब करने की कि यीशु मसीह मर गया था, वो बहुत सी आपके यूट्यूब पे भी नजर आएगा सब करने की, कोई कहता है उसने शादी कर ली, कोई कुछ कहता है। हम इंसान, अगर मैं इसके लिए एक लफ्ज बाइबल में लिखा होगा कि मैं बोल तू माफ कर दे, मैं सब लफ्ज का भी बोलता हूँ, इसमें लिखा होगा बकवास, बाइबल में भी लिखा होगा बकवास करते हैं, कई लोग बकवास करते रहे चाहे किसी दलील को पेश करके करें, लेकिन हम उनकी बकवास मतलब बेफजूल बात, गंदी बात, झूठी बात और बेअकली की बात बकवास का ये मतलब है, बकवास का है। बेशुमार लोग जितना मर्जी बकवास करे कि यीशु मसीह मर गया था, कोई कहे कि वो सलीब भी नहीं चढ़ा था, कोई कहता कुछ कहते रहे, लेकिन हमने यीशु को जिंदा देखा है बार बार, हालेलुया, वो नजर आया है और वो मोर्चे करता है और वो शफाएं बख्शता है। कोई हमें ऐसा मुर्दा वाला दिखा दे जो बात सबको नजर आ सकता है एक ही वक्त में सारी दुनिया के अंदर, कोई हमें दिखा दे जो मुर्दे जला सकता है, जिसके नाम से रसौलियां गायब हो जाती हैं, जिसके नाम से जन्नत और देव और बदरू हैं और इब्लीस के दांत डरती हैं। हमारे पास जिंदा सबूत है, साइंटिफिक सबूत है हमारे पास, हालेलुया। हमने देखा अगर दो या तीन या चार आदमी गए तो आप उनकी बात मान लेते हैं, तो आप दुनिया में करोड़ों लोगों को यीशु नजर आ रहा है, वो कहते हैं कि वो तो खुदा के बंदे होते हैं, वो तो पहले मसीह को मानते हैं, मैं मान गया। अगर मैं दावा करता हूं मैंने यीशु को बारहा देखा तो कह सकते हैं तो क्रिश्चियन खानदान में पैदा हुआ, इसको सिर्फ शायद ऐसे टेक्नोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पर ऐसा हो गया,
लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो सिख था, साधु सुंदर सिंह। इस तरह हजारों हिंदुओं को, सिखों को, मुसलमानों को ईरान में और चाइना में भी अब नजर आएगा। खुदा के खादिम ने नबूवत की है, ये बीमारी तो उसने नबूवत कर दी, जिसने कहा एक वबा आएगी और चाइना में लोग चलाएंगे खुदा के लिए। अभी वो बड़ी सख्ती कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनको बीमारी फैलेगी, खुदा उनको याद आएगा और यीशु से वहां भी नजर आएगा। दुआ किया करो, हालेलुया। आज यीशु आकर उन्हें शफा देगा और उन्हें बताएगा कि मैं जिंदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैं मर गया था, मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ। कोई क्या खुदा का बंदा बंदी भी परेशान होता है यूहन्ना की तरह, यूहन्ना रसूल की तरह, उस पर भी जहर होता है। जब हम खुदा को पुकारते हैं हमें भी जहर करता है, लेकिन अब हमारे पास सबूत मौजूद है करोड़ों के हिसाब से दवाइयां दुनिया में आ गई। पिछले 400 सालों में इतनी ज्यादा दवाइयां हैं जो खुदा को मानते नहीं थे, देहियों का खुदा जहर हुआ है जो खुदा को नहीं मानते। खुदा मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, सिखों पर, बुद्धिस्ट पर, मैं बुद्धिस्ट से मिला, मैं हिंदुओं से मिला, मैं सिखों से मिला। मैंने अमेरिका में एक रानी से मिला था, वो सुन रहा था टीवी पर और ये यूट्यूब पे भी उसकी है, तो वो सुन रहा था, तो वो सब मसीह को नहीं जान, मसीह के खिलाफ कभी उसने दिल नहीं पड़ी थी। वे रात में था, रो रहा था, खुदकशी करना टांगा हुआ था और वो खुदकशी करने स्टार्टिंग उसका दिल चेक में आखिरी बार वो टीवी देख लो। उसने ऑन किया नेट से और वहां पर एक प्रीचर बोल रहा था और वो सीधा उससे बोलने लगा, रोने लग गया और उससे तौबा कर दिया। वो गैरवानी बोलने लगा जो उसको गैरवानों को पता ही नहीं था और बाद में उसको पता लगा ये तो खुदा का रूह मुझे मिल गया। हालेलुया, उसको यीशु नजर आया। हम वो बहुत बड़ा खादिम है, इस तरह से एक नहीं है, हजारों के साथ दहशत गर्द है। हम आज के बहुत बड़े 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 लीडर, उनको खुदा नजर आ रहा है। हालेलुया, आप यूट्यूब देखा करें लेकिन बुरे काम ही देख रहे हैं। यूट्यूब पे गंद भी बड़ा है और अच्छा भी बड़ा है, तो दुनिया में गंद भी है और अच्छी चीजें भी है। क्या ख्याल है, क्यों बचा जवानों, दुनिया में सबका चंगा ही है? वो नहीं हो हालेलुया। चॉइस हमारा है, इंतखाब हमारा है, चुनाव हमारा है, हमने बुराई और उसने फैसला करना है। अगर आप शैतान को चुनोगे, उसकी बुराइयों के साथ रहोगे, तो कलाम के मुताबिक खुदा के अंदर मैं कहूंगा बाएं पर दरवाजा है, पुकारो उस आग में चले जाओ, जो किसके लिए तैयार की गई है, शैतान और उसके फरिश्तों के लिए। खुदा ने जहन्नम किसके लिए बनाया था, शैतान और उसके फरिश्तों के लिए, इंसानों के लिए जहन्नम बनाया गया। इसे याद रखें, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि जल्दी से हम अपनी सीरत जाने मसीह यीशु में। क्या लिखा है, मसीह यीशु में क्या हमें बख्शी है, हर तरह की रूहानी बरकत। चार चीजें इसमें है, पहली बार रूहानी बरकत क्या है, फिर इसे ये है कि आपको रूहानी बरकत जो है मसीह यीशु में मिलनी है। तो पहली बात मसीह यीशु में तो आए ना, रूहानी बरकत आगे पढ़ पढ़ के सारे लेते हो। हर लोग कहता है ये बाइबल में लिखा हुआ है, हमें तो मसीह में वक्त दिया, तो मसीह में कभी चलते ही नहीं, मसीह में आए नहीं, मसीह में कायम ही नहीं, मसीह के अंदर रहते ही नहीं, चलते ही नहीं है। लेकिन जो मसीह में रहते हैं उनके लिए रूहानी बरकतें जारी हैं और अब हम देखते हैं कि खुदा आपको कैसे मसीह में लाना चाहता है। और आज आप सब यहाँ से कोई भी ऐसा ना हो जो ऑलरेडी मसीह में है, वो और मजबूत हो जाए, जो मसीह में कायम नहीं है बेहाल हो जाए और दोबारा ये सुनसी में कायम हो जाए। और जो अभी तक इस सुनसी में शामिल नहीं हुआ, आज मैं आपको सादा लफ्जों में बताता हूं, आप उसमें शामिल हो जाए। हालेलुया, तो फिर आपको क्या मिलेगी, रूहानी बरकतें आसमान से। और याद रखे, खुदा ने ऑलरेडी आपके लिए मुकर्रर की हुई है और लिखा हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है, उसने मुकर्रर कर दी है, दे दी हुई, आगे लिखा हुआ है। वक्त नहीं है मैं सारी आयतें पढ़ूं, आगे लिखा है कि पेशतर से मुकर्रर कर दी है और ये फजल से मिलती है, रहम से मिलती है। लेकिन आपको रहम की दौलत पसंद आए तो आपने कबूल करना है, उसको ईमान लाना है, सिर्फ आपको इसके लिए ईमान लाना है, खुदा की बात का यकीन करना है। तो आप ये भी ना करो, आप बात सुनो, आप फर्ज करो हम मेरे पास आते हो तो आप ये कहते हो कि हमें पता चल ये हमारे ना आप पर इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, अच्छा आप हमें पढ़ा सकते हैं शहर में। मैं कहता हूँ आपका ख्याल कि मैं पढ़ा सकता, नहीं नहीं साढ़े यकीन नहीं है, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं तो मैं तुम पढ़ाना नहीं, आपको यकीन नहीं मेरी एबिलिटी पर, मेरी बात पर, आप ईमान आपको नहीं कर सकता।
क्योंकि जब आप मेरी बात को मानते ही नहीं, मुझे यकीन ही नहीं करते, बहुत से लोगों के लिए रोहानी बरतने नहीं मिलते, कोई ईमान नहीं लाता। बहनों भाइयों सुन लो, जो बीमार है आप और मुझे, हम सबको, खुदा के बंदों को भी, खुदा की बंदियों को भी, मुकद्दसों को भी, ईमानदारों को भी, गुनाहगारों को भी, गैर मसीहों को भी, उस वक्त शफा मिलती है जब वो खुदा की कुदरत को कबूल करते हैं, उसकी शफा देने वाली कुदरत और मौजदाना कुदरत को कबूल करते हैं। इसलिए हमारे मुसलमान भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे बुद्धिस्ट भाई, मेरी बेटियों में मैं बहुत सारी दुनिया में देखा है, जल्दी शफा पाते हैं, बड़े बड़े मौजे पा लेते हैं, शफा पा जाते हैं, हालेलुया। और हमें शर्म आनी चाहिए, क्या क्या? और हमारे मुकद्दसीन जो अपने आप का दावा करते हैं वो देर से पाते हैं, उसकी वजह क्या है? वो उसकी कुदरत को कबूल नहीं करते, दिल से ईमान पर खड़े नहीं होते, वो ईमान लाते नहीं है, वो दूसरों के लिए ईमान लाते हैं बड़ा, लेकिन अपने लिए नहीं लाते। आपको ईमान पर खड़ा होना है, क्योंकि ईमान के वसीला से ये बरकतें, ये मौजज़े, ये रूहानी बरकत आपकी जिंदगी में जारी हो जाएंगे। रूहानी बरकत के साथ जब बाबरू आएगा, रूहानी बरकत बहुत सारी है, जिसमें निजात है, बाबरू है, बाबरू के तजर्बात है, बाबरू की नेमतें हैं, खुदा के जिंदा तजर्बात है, खुदा की रफाकत और शराकत है। आप नबियों की तरह खुदा के साथ बातचीत कर सकते, उसकी आवाज सुन सकते, और खुदा आपको गाइड कर सकता, और खुदा आपको अपना मुकाशफा देकर, आपको एक कामयाब जिंदगी देकर दुनिया में। एक वक्त में कामयाब का मतलब ये नहीं कि आप शिवाज पा जाएंगे, कामयाब वो है जो खुदा के साथ है, चाहे यूं की तरह कितना बीमार भी रहे, उसका ईमान ज्यादा बड़ा था। जिस कोड़ी को एक मिनट में शिफा होगी उसका ईमान बड़ा नहीं था, उसको तो एक मिनट में काम हो गया, लेकिन जो शख्स खुदा के लिए दुख सहता रहता है और फिर भी ये बड़ा ईमान है, इससे ग्रेट फेथ कि वो खुदा से इनकार नहीं करता, उसका सारा कुछ भी चला जाता है। आप लोग ये समझते हैं कि उसका ईमान बड़ा सी बात है, शिफा पा गई, सॉरी खुदा का शुक्र होनी चाहिए, लेकिन ये बड़ा ईमान नहीं है, मजबूत और खुदा को पसंद आने वाला ईमान है। मैंने आपको कई दफा बताया है, किसी को याद है? युति मिले ना मिले हालेलुया होना चाहिए, याद है कि नहीं यार? किस किस को याद है जरा बता, गांव में याद, थोड़े लोगों को याद है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है। एक दफे कैलडर साहब है, थोड़ा सा ज्यादा तुम बताऊ, कैलडर साहब थे यूपी के, तो वो अपने पार्टी को कहते हैं कि बंदा है गांव में किसी ने, यहाँ मार्टपुर की तरफ था, तो कहता है वो हालेलुया बड़ा बोलता था, वो किस तरह जाता था, जाता यूपी चर्च कर रहा, तो बाबा कब कर रहे तो जब भी वो अच्छी बात नहीं कर रहे हालेलुया कह रहा हूँ। तो एल्डर ने कहा कि पादरी साहब सारे एल्डरों ने इसको मना करो, ये पार्टी ना तो जा सर हूँ ऐसा कर ऐसे कर दिया, क्या हालेलुया नहीं बोल रहे? मैं भी मैंने शुरू कराया था हालेलुया एक यूपी चर्च पर, ये तो यूपी चर्च करने के ना तालियां मारने देते, कभी ये बात नहीं है, और उसने उसको मना किया। एक दिन बाद उसके घर गया, कहता अपने बाबे ने कहा यूपिया जितने को नहीं कहा, बाबा तुमने ऐसा कहा तुमने चर्च हालेलुया चार से लेना आ गया, मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में फिर जी उठा। बाबा पीछे बैठा जी जो पीछे मिलना है, पीछे उठ के कहता है ज्योति मिले ना मिले हालेलुया, और ज्योति की खातिर हालेलुया नहीं करना, हालेलुया ज्योति मिले ना मिले, खुदा हमें कुछ दे या ना दे हालेलुया, हमें बड़ा ईमान ये है कि हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हम ले सकते हैं ईमान से बहुत कुछ। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया, ताड़ा तो क्या क्या हालेलुया, हाथ तो करके कहो कुछ मिले या ना मिले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बड़ा थोड़ा लाजा लगे, हमने आवाज नहीं आई, बोलिए सारे आप जब पूछते हो ईमान के साथ खुदा की कुदरत आप आपको जाती मिलती है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अब मसीह यीशु में आना कैसे? जल्दी से सबको पता है यीशु के पीछे चलना है। यीशु ने क्या किया? यीशु मसलूब हुए थे। आपको मसलूब होने की जरूरत नहीं है। गुनाहगारों सुन लो, मैं भी गुनाहगार था, यहां बहुत थे जो सारे गुनाहगार थे लेकिन अब नहीं है, वो गुनाहगार थे, मैं भी गुनाहगार था, मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार
تکلیف بھی آپ کو پتا ہے, گناہ کی سزا جہنم کے اندر. لیکن یسوع میری خاطر مسلوب ہو گیا, میں اس کی سلیب کے پاس آیا, میں اس کے خون پر ایمان لایا, میں نے توبہ کی اور یسوع کو قبول کیا, اور ایک منٹ میں میرے سارے گناہ اپنے دل سے اس میں دھو ڈال دے. آپ مسیح میں آ جائیں گے, اگر تم مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, وہ آپ کو نئی پیدائش دے گا, وہ آپ کو شیشوں دو میں لکھا, وہ تمہیں مردوں میں سے زندہ کر دے گا. ہللویہ. کیسے مسیح میں آنا ہے؟ توبہ کرنی ہے, توبہ کر کے آپ مسیح کے ساتھ مسلوب ہوتے ہیں. اور پھر لکھا ہے بپتسمہ میں دفن ہوئے, پہلے مسلوب ہوئے مر گئے گناہ کی طرف سے, پھر کیا ہوئے؟ اور بپتسمہ میں دفن ہوئے. آپ نے بپتسمہ لینا ہے جیسے مسیح یسوع قبر میں گیا, قرآن میں لکھا کلیسیوں دو باب میں, جیسے وہ دفن ہوا آپ کو بھی پانی میں لے کے جائیں گے. اور آپ نے یہاں سے دعا کر دیا کہ خدا میں تیرے ساتھ اپنے گناہ کو, اپنی پتیوں کو, اپنی سائز دفن کر رہا ہوں, اور میں تیرے ساتھ دفن ہونے کی مشرط ادا کر رہا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں مر کے اندر ہی رہے, ہم کیوں اندر رہے ہیں, ہمارا یسوع قبر میں لے رہا, ہم جو رہے ہم تو اس کے پیچھے چل رہے ہیں. پھر کیا کرنا؟ اور اس کی قوت پر ایمان لگانا ہے. بول رہا ہوں کلیسیوں دو باب لکھا ہے, اور کیا کیا؟ پانی کے تشبیہ میں کیا کرتے ہیں؟ مردوں میں سے جی اٹھنے کی حیثیت میں اس سے باہر آ گئے تاکہ نئی زندگی میں چلے. ہللویہ. آپ اگر مسیح یسوع میں ہو, پہلی بات اگر وہ مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق پرانی چیزیں جاتی رہے, دفن کر دی, چھوڑ دی. اگر آج یہاں کوئی گناہ گار ہے تو آج توبہ کرے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دوسرا حصہ بھی کریں. آپ اتنے نہ خوش ہو جائیں, آپ نے توبہ کر لی, بپتسمہ لے لیا, دیٹس گڈ, ویری گڈ, یہ فاؤنڈیشن ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ صرف اس کی بنیاد ہے. ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے, ابھی تو مزے شروع ہوتے ہیں کسی زندگی کے, ابھی تو آپ کا کنیکشن ہوا خدا سے. پھر جب آپ اس کے قریب بڑھو گے تو آپ کیا کرو؟ بائبل پڑھا کرو, خدا کے لوگوں میں جایا کرو, اور پھر پاپوں کے پیاسے ہو, پاپوں کا بپتسمہ مانگو, پاپوں کی یاد مانگو, پاپوں کی قدرت مانگو, پاپوں کی فیلوشپ میں ترقی کرو. فیلوشپ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی بخت ہے, جیسے شخصی طور پر دوستی ہوتی ہے ویسے ہو جاتی ہے, بات کی شروع ہو جائے گی, پھر اس کی روح کا پھل وہ آپ کی زندگی میں, آپ کی زندگی کی پرانی چیزیں جبتی رہیں گی. آپ کچھ سے بڑے تھے کچھ جاتا ہے, تفر کے بڑے تھے وہ جاتا رہے گا, آپ کے ہر وقت آپ مغرور بڑے تھے وہ جاتا رہے گا, ضرور آپ کا, اور وہ مصروف ہو جائے گا, اور مسیح کی کنبی وہ حلیم ہے آپ میں آ جائے گی, مسیح کا پھل محبت آ جائے گا, نفرت جاتی رہے گی. آپ کی زندگی کے اندر نئی زندگی میں روح کا پھل آنا شروع ہو جائے گا. اس میں آگے بڑھو, آگے بڑھو میرے بہن بھائیوں, مقدسوں, خدا کے خادموں اور خادماؤں, بیٹے بیٹیوں, جو خدا کے خدمت میں ہو, آپ کو بھی مجھے بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آپ نے روح کی آگ مانگنی ہے, روح کی نعمتیں مانگنی ہیں. یہ وہ چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا, میں کامل نہیں ہوں ابھی تک, میں ابھی کامل کی طرف بڑھ رہا ہوں, پر اس کی طرح میں بہت کام ہوں, میں نے بہت کام دیا ہے, لیکن میں نے بہت کچھ خدا کا دیکھا ہے. لیکن جب میں نے اس کا ساتھ لگایا تو شاید 100 میں سے 5 ہے, جبکہ خدا لامحدود ہے, اس کی نعمتیں ہر برکتیں لامحدود ہیں. خدا نے بڑے بڑے کام کیے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, میں نے گواہیاں سنی, پوری دنیا میں سنتا ہوں, لیکن جب میں اس کا ضرب تقسیم بائبل سے کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے خدا کے پاس 100 روپے میرے لیے, میں نے ابھی تک 10 دیے. اس لیے زندگی کے آخری دم تک مسیح میں بڑھتے جانا ہے, ترقی کرتے جانا ہے, آگے بڑھتے جانا ہے, اور خدا کی برکت پر کرتے مانتے چلے جانا ہے. ہللویہ, ہللویہ. اب جب مسیح یسوع میں آ جائے گا تو یہ روحانی برکتیں پہلے ملیں گی, جب روحانی ملیں گی پاپرو آئے گا تو پاپرو آپ کو سکون بخشے گا, برکت بخشے گا, قوت بخشے گا, زور بخشے گا, یسوع کی دعائی دینے کے لیے اور خدا کے کلام کو پیش کرنے کے لیے. آپ کو روح القدس کی نعمتیں ملنی شروع ہوں گی, آپ کو سیاسی شفا ہونی شروع ہوگی, اور جب آپ کے اندر ایمان کی نعمت آئے گی اور خدا اور خدا آپ کو اپنا کلام سمجھائے گا, آپ کو شفا ہونی شروع ہو جائے گی, آپ کے موزے ہونے شروع ہو جائیں گے. جو چیزیں نہیں ہیں جس میں آپ کس کھاتے رہے ہیں, اگر کسی پر جنتے بدروہیں تھی, جادو تھا, تعویز تھا, وہ مارے کھاتا رہا ہے, لیکن اگر وہ مسیح میں آ جائے تو جیسے فرعون اور اس کے لشکر سمندر میں ڈوب گئے تھے, جب وہ سمندر میں سے نکلے وہ بھی بپتسمہ تھا, وہ موسیٰ کا بپتسمہ تھا, انہوں نے پہلے برے کا لہو اپنے چوکوں پہ لگایا تھا, پھر وہ مصر سے نکل آئے تھے, اور پھر انہوں نے سمندر پار کیا تھا, اور لکھا کہ وہ سمندر میں ڈوب مرے سارے دشمن. اگر آپ ایمان کے ساتھ سارے بہت لوگوں کو دیکھا, میں ایک بھائی آپ کو یاد کام کروں گا, میرے ساتھ جس نے بپتسمہ لیا تھا 40 سال پہلے, وہ کہا کہ پتہ تھا مغل کی جاتے ہیں, سیمن کا نام ہے, آج کا وہ مجھ سے بڑے تھے, 10-15 سال بڑے تھے, تو وہ ان کا کان ٹوٹی ہوئی تھی, گیٹ ٹکڑے ٹکڑے تھے, پلاسٹر لگا ہوا, انہوں نے توبہ کر لی, رات کو یسوع نے کہا تو بپتسمہ لے, بھائی صاحب اس کو بپتسمہ نہیں دیتے تھے, میں بھی اس کو رہا تھا,
खड़े थे तो कहते हम क्यों जन्म है, मुझे तुमने बेवकूफ बनाया, रेलवे अस्पताल में डॉक्टर कहेंगे इसका टांग ला दिए। वो कहते मुझे खुदा ने कहा, अगर पादरी नहीं माना उधर जाकर उसने कैंची लाया और कड़क करके सारा फाड़ दिया, करके तो पानी के पास कराओ बीच घुस गया। पादरी कहते आप तो गुस्से गया, आपको चश्मा देना ही पड़ेगा। और पादरी साहब ने उसका चश्मा दिया और उसका ईमान था कि जैसे मैं बपतिस्मा लूंगा ये हड्डियां जुड़ जाएंगी और फौरन उसकी हड्डियां जुड़ गई। अगले दिन तो रेलवे अस्पताल में गया, वो जानते थे बहुत लोग इसके लैब में जो खुराक बनती है जो खुराक खा जाती है वो हमेशा दिन सारे डॉक्टर कहने के तेरा बंदा पागल आता था कि यहाँ काम करता बिल्कुल ठीक। डॉक्टर कहते हैं इसको पता नहीं ये क्या किया इसने, कहता जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते कैसे हो सकता है तेरी तो टुकड़े टुकड़े हड्डियाँ हुई हुई और तुझे हमने कहा छह महीने से पहले प्लास्टर नहीं था, उन्होंने एक्सरे लिया और सारी हड्डियाँ जुड़ चुकी थी। हालेलुया, मैं आपको गवाहियों का गवाहियां बता सकता हूँ, बपतिस्मा लेने में बड़े बड़े मोजज़ात हो जाते हैं। हालेलुया, अब आप मानने वाले हो मसलूबियत को और मुर्दों में से जीने वाले इस तरह के दिन को। डेट की कोई बात नहीं, जब मर्जी बनाओ, हम डेटों के पीछे नहीं भागते, दिनों के पीछे हम कलाम के पीछे भागते हैं। हालेलुया, इसलिए हमें पता है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, और हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। और हमारा ईमान है यीशु मसीह वाद है जो मुर्दों में से अपनी कुदरत से जी उठा, वरना लोगों को दुआ करके या डॉक्टरों ने खुदा के सूलों के बाद थोड़ी देर पर भी टेस्ट करके कुछ करके वापस ले आए, जिंदा नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ हुक्म देकर पंप करके नहीं, ऑपरेशन करके नहीं, तरीके कर उन्हें जिंदा किया, उसने हुक्म दिया और वो मुर्दे जी उठे, बल्कि तीन दिन के मुर्दे जिंदा हुए। हालेलुया, हालेलुया। अब ना सिर्फ दूसरों को उसने जिंदा किया बल्कि वो खुद भी मौत और कब्र को फतह कर जी उठा और एक नए बदन के साथ जी उठा। हम भी नए बदन के साथ जी उठेंगे, मसीह यीशु में ये रूहानी बनते हैं। और फिर जब रूहानी बनती आएंगी तो साथ साथ जिस्मानी भी आएंगे, क्योंकि कलाम में तरीके बताए गए हैं। जब हम कलाम पर चलते जाएंगे, हम खुदा के आवाज को सुनते जाएंगे और उस पर अमल करते जाएंगे, और जैसा कलाम में लिखा है हम अपनी दैयतियां हदिये शुक्रगुजारियां मन्नतें खुदा के लिए मानेंगे पूरी करेंगे तो खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। और खुदा ने ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि हजारों मिनटों में, लाखों मिनटों में, पूरी दुनिया में खुदा यह काम कर रहा है। आप चाहते हैं कि खुदा आपके ये सारे मसलों को हल करे तो कहां से शुरू होगा? भाई दीखे इतना मेरी लात पे बड़ी पीड़ है, ठीक कर मैं घर जावा, मैं तेरे लिए आई हूं। भाई जी मेरे तो गोड्या तो बड़ी दर्द हुई है, मेरे दिल का नहीं तो बाल बंद करके खोलो तो मैं तो सिर पे बाल खोलो बैठे मैं दसो जे मैं खोल सकता तो होर चाहिए सी, मैं तो तेरे सारे दे खोल दे दुनिया दे बंद आप किस मैं बात करता हूं। लेकिन बहुत बार खुले हैं, बहुत बोलते हुए हालेलुया, बाल कौन खोलता है दिल के? यीशु खोलता है। और कैसे खोलते हैं? जब आप मसीह में आ जाओगे आसान हो जाएगा। हैं मैंने को बदबू निकाली है यहाँ किसी का नाम लिया सबका प्राण पड़ी निकालता, लेकिन मैं तो नहीं निकाल, हैं मैंने तो नहीं कभी निकाली। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि लाखों के साथ लोग शफाफ आ गए, यहाँ पर बड़े बड़े केस ठीक हुए हैं जो किसी से नहीं होते वो हो गए, मैंने नहीं किए। किसके नाम से होते हैं? तेरे नाम से, यानी यीशु के नाम से बदलू भी हमारे कुदरत आई होती है उसमें शफा ले लेते हैं। ईमान से रोना शुरू कर दो, ईमान ला खुदा मैं अभी ईमान लाती हूँ, गायब हो जाएगा मैं कह रहा हूँ और आपके खुशी हो जाएगा। और पैसों के मोर्चे के लिए बाइबल में इसका लिखा हुआ है, उसके लिए मैं आपको बहुत बता चुका हूँ। हर तरीके का बाइबल में पूरी रहनुमाई, बाइबल एक वाद किताब है जो आपको खुदा की बातें बताएगी, खुदा की रहनुमाई बताएगी और जो कुछ कहती है उसको पूरा करके दिखाएगी। हालेलुया, क्योंकि इस कलाम को साबित करने के लिए खुदा खुद उतर आता है और वो यीशु के नाम में इस कलाम को साबित करता है। उसके लहू में इतनी कुदरत है, आप कोई चिन्हों वाला रूहों वाला जादुओं वाला कह गया हो गया हो गया, अगर आपका ईमान उन पर ज्यादा तो फिर आप अभी छुट्टी कर दे बेटा। लेकिन अगर आपका ईमान है कि यीशु के पास जो कुदरत है वो लामहदूद है, उससे बड़ा कोई नहीं है, शैतान और उसकी ताकतें यीशु के नाम से थरथराती हैं। हालेलुया, जादूगर थरथराते हैं, उनकी जरूरत क्या है कि मेरे और आपके बदन में ठहर सके। आज आपने उनको हुक्म देना है
और जैसे मैं आपको गाइड करें मेरी आवाज सुना करो मैं क्या कह रहा हूं। जब मैं कहता हूं मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मुझे सेंसेस होती है, लेकिन मैं मशीन की तरह अपना के आता तो मैं नहीं वो कुछ चीजें करना चाहता तो मैं मुंह से निकल जाती है। बाद में कई लोग मुझे कहते ये वाली बात तो आपने मेरी कर दी, मैं तो मुझे तो नहीं पता ये तो खुला करूँ बोल रहा था, मुझे क्या पता। आप सुन लीजिए, सौदियों वाले सुन रहे, हड्डियों वाले सुन रहे, दर्दों वाले सुन रहे, हार्ट वाले सुन रहे, कैंसर वाले सुन रहे, कुछ भी आपकी बीमारी बना हो गॉड कैन चेंज इट वन मिनट। आई कैन मैं आपको स्टोरी आफ्टर स्टोरी गवाही पर वही बता सकता हूँ, हर किस्म का मोर्चा यहाँ होगा। मैंने मलेशिया में लड़के की आपको बताई थी कि वो पीछे बैठा था, मेरे पास वो पीजे ग्राउंड पर वहां पर पीछे आके बैठा था और वो बच्चा मरा हुआ था 6 महीने का। उसके माँ बाप ने मुझे मलेशिया में बुलाया, वेंटिलेटर से बाहर के लाया, जो आपको जिंदा हो गया और मुझे बहुत कुछ याद था। और उसके ना बाप आपको बताया यहाँ पर माता जी की एक लड़की थी जिसको मुझे फोन किया था फोन पर, और मैं ईमान नहीं ला रहा था, मेरे ईमान से नहीं हुआ था। वो लड़की रो रही थी, मेरा बच्चा मर गया, मौजूद है। अगले महीने आकर उसने गवाही दी, मैंने गुदाम के रूप में मुझे लिखी थी, जब ये कह रही थी बहस कर रहा था मैं फोन पे, मैं तो कहता बेटे ना कर तू मर के बाद में लोग कुछ कहेंगे, तो मैं सोच रहा था मुझे लोग कहेंगे इसने करवा दिया। गुदाम ने मुझे आवाज दी, तू कौन होता है? वो मान रखता तुझे दुआ के लिए कर, तू आगे जाकर बहस कर रहा है, मैं शर्मिंदा ही हो गया, कुछ नहीं कभी मिले मैं तो जाता हूँ। मैंने दुआ की, मैंने कहा अच्छा खुदा इसका ईमान है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ जैसा इसका ईमान है ये बच्चा जिंदा पैदा हो। और डॉक्टर रान हो गए और यहाँ पर से 1 महीने बाद आके बच्चा लेते हैं कि जिंदा पैदा होगा। हालेलुया, क्या बहुत कुछ किया है, किसने किया है, कौन करता है, बोल लो कि आप लोग पिछले अंदर मुझे लगता गूंगे हो गया है, आप बताओ कौन करता है, किसके नाम में होते हैं। आप ईमान रखते हैं कि आज खुदा यहाँ मौजूद है, जवाब दीजिए फिर आज बोल से होंगे, हालेलुया, आज हर तरह के बोल से होंगे, क्योंकि हम आज ईमान पर आ गए हैं, आज हम इसी यस्क में दाखिल हो गए हैं, आज हमें अपनी सियत पता लग गई है, आज हमें पता लग गया खुदा ने तो पहले से हमारे लिए मकर कर दिए हुए हैं। अगर आप मेरी बहन पहली दफा आई है आपके लिए भी मकर, आपको पता ही नहीं था, सिर्फ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी खुदा की तरफ, आपको मैंने इतला देनी थी, समझाना था खुदा के हाथ हो आप जिन मर्दी हालात में उसने बेहतरीन चीज आपके लिए खुदा के पास मौजूद है। हालेलुया, आखिरी बात समझाने के लिए ताकि मैं आपका ईमान रखा, ये नहीं सोचना कि मैं आपके गरीब घर में हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, ये नहीं सोचना मेरा तो बाजू एक नहीं है। मैं उस लड़के की कहानी बहुत बताता हूँ, आप देख लेंगे उसका नाम लिख गया, उसके ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इतना ही है बस, इतना ही और गर्दन है बस, ये है बस उसका, ये नहीं है, बाजू नहीं है, टांगे भी नहीं है। आप सोच सकते हो कि वो खुदा का बहुत बड़ा खादम हो सकता है, आप सोच सकते हो कि खुदा उसके वसीला से लाखों लोगों को बचा सकता है। मैं दो कांगे जानता हूँ, एक और बहन है मैंने उसे देखा था म्यूजियम सवाल के पैसे में बिल्कुल सोना गाड़ी नहीं काम करता, उसके वजह हजारों लोग खुदा के पास आए। आप किस मर्जी हालत में हो, when you are in Christ, जब आप यीशु मसीह में हैं, know your position in Christ, यीशु ने अपनी सियत को जान लिया, जैसे मर्जी हालात हो, अगर आप मसीह में अपनी सियत को जान ले और ईमान ले आए तो आप खुदा से बढ़कर गलबा पाएंगे और आप खुदा के हाथ में बहुत बड़ा आला बन जाएंगे। और वो आदमी आज लाखों लोगों के मन में उसके होते हैं, वो गवाही देता है, वो चढ़ता है उसी तरह से ऐसे ऐसे जब करके दी जाती है, ऐसे करके हंसता खेलता है तैरता है, उसके बच्चे हैं, एक औरत उससे शादी कर ली, उसके दो बच्चे उनको खिलाता पिलाता, आप कहेंगे कैसे खिलाता पिलाता, मुंह से सारा चल रहा, वाजा जाता है, गीत गाता है, कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, क्या जोरदार तालियां यीशु के लिए जा सकते हैं। और यीशु मसीह का बंदा किसी भी हालत में हो, यीशु मसीह की बंदी किसी भी हालत में हो,
वो मसीह यीशु में जोर आवर है। हालेलुया, खुदा के बेटे बेटियां क्या होते हैं? जोर आवर होते हैं। खड़े हो जाओ, ऊपर तरह जोर आवर, उसके बाद चंदा उठाएंगे। अच्छा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जल्दी से आ जाइए, आसिफ जल्दी से आ जाइए, आइए दुआ करना शुरू करेंगे। खुदा हम आज आपने जो गाना है इसके दौरान ही हुक्म देना हमें बीमार को, इससे पहले हम चंदा डालें फिर हम दुआ करेंगे बाद, क्योंकि हमारे पास आधा घंटा है। 9 बजे कुछ करूंगा, खत्म कर दूं। मैंने काफी चीजें आपको आज बता दी है। मसीह यीशु में आपको आसमानी मकामों में ऊपर से जारी हो चुकी है चीजें। सिर्फ ये आपने ईमान से रिसीव करनी है, वो आपके अंदर बहनी शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर आनी शुरू। अपनी आंखें बंद कीजिए और दुआ करना शुरू कर दीजिए। मत इधर उधर देखिए, खुदा से कहिए, खुदा मैं आज ईमान लाता हूं, मैं ईमान लाता हूं, मैं तुझ में हूं। अगर नहीं है तो तौबा कर लीजिए। कभी आपने अगर तौबा नहीं किया है, यीशु मैं गुनहगार हूं। अगर आप फेसबुक पर सुन रहे हैं, किसी मदद से है, किसी जगह है, ईमान लाकर देखो। खुदा यीशु मसीह पर, जिसका लहू आपको तमाम गुनाहों से पाक कर देगा, उसने मेरे भी गुनाह बख्श दिए थे, उसने मुझे भी माफ कर दिया था, मैं भी बहुत पापी था। इस तरह दुनिया में बड़े बड़े कातिल मैंने बदलते देखे हैं, झूठे बदकार और शराबी और हर तरह की बहनें जो खुदा से बहुत दूर थी, जो गैर कौमों में चली गई थी, लेकिन खुदा ने बहाल किया और खुदा ने उनकी जिंदगियों को बदला। प्यारे भाई और बहनों, रोना शुरू करो, दुआ करना शुरू करो। आए मसीह मसीह और यीशु नासरी, तुझे खुदा का बेटा मेरी खातर इंसान बना, तू मेरी खातर दुख सहा। रोना शुरू कीजिए, यीशु का लहू को पकड़ना शुरू कीजिए। पहले यीशु का लहू लीजिए अपने ऊपर, पहले यीशु का लहू अपने ऊपर ले लीजिए। खुदा हमने आज तेरे लहू के पास आता हूँ, जो ऑलरेडी कबूल करते कहते हैं, खुदा मैंने तेरे लहू की वो कदर नहीं की, उसको समझा नहीं है। मैं तो मसीह यीशु तुझ में हूँ, तो मुर्दों में से जी उठा है और मैं भी तेरे साथ मुर्दों में से जी उठा हूँ। हालेलुया, दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। फिर कीजिए, फिर कीजिए, तर्मिजु कीजिए। हालेलुया, खुदा की हुजूरी आ रही है, खुदा काम कर रहा है। आज बड़ा गहरा काम हो रहा है, बड़ा कशी का तमारा संदाना ना बहुत आराम से काती कर दिया। आपके दिमागों को, आपके जहनों को, आपकी जानों को खुदा बदल रहा है, आपकी सोचों को बदल रहा है, आपके बदलों को खुदा खुदा कह रहा है। पहले मेरे रूह से भर लिया तो खुदा की आग आ रही है, और अभी जब हम दुआ करेंगे, गीत गाएंगे, छिड़केंगे, तो आप देखेंगे फटने शुरू हो जाएंगे सारे सारी बीमारियां, गुनाह, फटी शराब, यीशु के लहू से धुल रही है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु का लहू, यीशु का लहू यहाँ पर बह रहा है, यीशु का लहू धो रहा है। हालेलुया, आइए खानो खुदा की बेटे बेटियों, खुदा के बंदा बंदियों, सब भी खुदा के लहू को पकड़ना शुरू करो। यीशु के लहू को पकड़ो, यीशु के लहू से कहो, खुदा आज मुझे धो दे, दोबारा रबा का शिका तबा का तबा का शिका तबा का तबा का तबा का। हालेलुया, 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 आज बाप तेरा शुक्र हो तेरे पे, यीशु के तेरे पे तबा का तबा का तबा का तबा का तबा का। मैं देख रहा हूँ कि आज मैंने पहली दफा देखा है कि यीशु मसीह जो है और वो एक ऐसी खून छिड़की पोशाक पहने हुए है, और वो खून के कतरे उनके पोशाक से गिर रहे हैं। यार ये बात मेरे लिए है, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या है। मैं सब कुछ नहीं समझता रोहानी आलम की बातें, लेकिन वो फिर रहे हैं हमारे दरमियान। मेरी बेटी और मेरे बेटो, जिनकी बीमारियां हैं, गुनाह है, पतियां हैं, रोना शुरू करो। चलो आज खुदा तुम्हें एक नई बरकत देने वाला है। ऊंची आवाज में चला चला कर खुदा को कह, अरे खुदा इतने दो, अरे इतने खुदा, ये तो नाजरी मुझके मजलूम, मुझ पर रहम कर दे, मुझ पर रहम कर दे। बेटियों, खुदा अपनी निगाहें तुम पर लगा रहा है, बेटो खुदा तुम पर अपनी निगाहें लगा रहा है। खुदा के खादम और खादम है, आपने बड़े दुख दे उनके नाम से लेकर नाज को। हालेलुया, उसका पल्ला ही छू लो, ईमान से उसकी पेशाब में से खून की धारे निकल रही है। दुआ करते जाओ, करते जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो खुदा की आग बढ़ती जा रही है, कुदरत बढ़ती जा रही है। खुदा लोग से कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया, किसी का ब्लड कैंसर दूर हो रहा है, ब्लड कैंसर उसके जिसम के अंदर बीमारी है, लाभ का शिका तबा का शिका तबा का जंदा बना रहा है, अपना बना रही है, अपना बना रहा है। हालेलुया, गुर्दों की बीमारियां जा रही हैं, पत्तियां गायब हो रही हैं, इन्फेक्शन गायब हो रही हैं, नहीं बेटा खबर खला रबा शिका तबा का जंदा बना रहा है। मैं देख रहा हूँ खला रबा शिका तबा का जंदा बना रहा है, जंदा बना रहा है। हालेलुया, भाई दानियल के लंग्स जो के बड़े खराब है, बड़ा मजबूर है, खुदा उस पर लंग्स दे रहा है, यानी फेफड़े नहीं दे रहा है, अभी बर रखा बर शंदा बर रबा कुन्या रबा जाता ये बर जिंदा बर रबा। हालेलुया, रबा का शका तबर सी ला रबा जा टाइम से बहता के रसौलियां गायब हो रही है। एक और बहन है जिसका नाम डेजी है, खुदा उसकी रसौलियां गायब कर रहा है। ओ खुदा का जलाल यहां पर बढ़ता जा रहा, बोलिए दुआ करते जाइए, खुदा के दिल में और सही तोड़ना। मैंने आज भी आवाज से बरकत
کہ میں مسیح اسی میں آ گیا ہوں، میں آ گئی ہوں، میرے آنے نہیں چھوڑنا، میرا خاندان بھی یسوع کے نام میں ہے۔ تو اللہ کا شکر کرتا بڑا سنتالا بابا کرتا بڑا سنتالا بابا مجھ سے آ رہے ہیں شفا کے پیسوں کے طرح طرح کے بول کر بلا کے لہو کرنے کا رحم دیکھ رہا ہوں۔ لہو جو ہے وہ قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ بڑا سا بلون کا بن جاتا ہے جیسے بلڈ کا بن جاتا ہے، اور پھر وہ بھنڈار اس میں سے موئے سے نکلتے ہیں بابا کا شکر بابا۔ یہ چیز بھی ہے مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں بولیا کی ہوتی ہے موقع، ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہوتی ہے، لیکن خدا بتا رہا ہے کہ یسوع کا لہو کا نشان ہے، اس کی قدرت دکھائی جا رہی ہے بلون کی طرح، وہ خون کا قطرہ جو بڑے بڑے ہوتے جاتے ہیں اور وہ پھٹتے جاتے ہیں، اور اس میں سے موت سے موت لوگوں کے بندوں پر، روح پر، جانوں پر خبر کر رہی ہے۔ آج کا ہمارے روح کا آپ کا بپتسمہ لے کے جانا ہے، میں نے بڑے بڑے کر لیا بابا جی، میں بڑا زیادہ ہو جانا تھا، آج میں نے کامل پتا لے کے جانا ہے، آج میں نے قرآن مسا لے کے جانا ہے، آج میں نے پوری بحالی لے کے جانی ہے، آج میں روح کی نعمت لے کے جانی ہے۔ ہم باندھ لگے سارے مل کر خدا کے بارے میں
में खड़े हुए थे, ये छोटी छोटी दाड़ियां उनके और बंदरों की शक्ल है और भाग रहे हैं बाथरू की आग से। यीशु के नाम से निकल जाओ, निकल जाओ। यू हैव नो राइट, तुम्हारा कोई हक नहीं यहाँ पर। हम खुदाओं के लोग, हम यीशु के खून से खरीदे हुए, हमने अपने आप यीशु को ले लिया, हम यीशु के लहू में चुप गए। हमारे सारे रस्तों में कानों को रोकने वाली नहीं हो, पत्तों को रोकने वाली नहीं हो। लोगों के जो कान बांधे हुए हैं, पत्ते बांधी हुई हैं, नौकरियां बांधी हुई हैं, पैसे बांधे हुए हैं, कर्जे चुराए हुए हैं, आए लॉर्ड जी निकल जाओ, निकल जाओ यीशु के नाम में। आज मेरा यीशु अपने लहू से तुम्हें खिला रहा है और उसके लहू के कतरे में तीन ताकत आके हजारों मोल देना देता है। हालेलुया, जिनके भीतर इस साल में तकरीबन 100 लोग हैं जो मुस्लिम होंगे, तो कुछ क्या है, कुछ क्या मौजूद नहीं है, उनको वीजे मिलेंगे और नामुमकिन वीजे मिलेंगे। इमिग्रेशन होगी और खुदा बड़े बड़े काम करेगा और झुके हुए काम हो जाएंगे। हालेलुया, पता ही पता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इससे पहले कि हम यकीन करें, अपने हाथ उठाकर दो मिनट के लिए शुक्रगुजारी कीजिए। दानियाल ने भी काम कर दिया है, ऊंची आवाज में आपको भगवान शुक्र करो, मत ईमान रखो के बाद में कुछ होगा। खुदा कर चुका है, खुदा कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चीज है, 100 तालियों के साथ शुक्रिया, पूरे 100 के साथ इतने बड़े खुदा के लिए शुक्रिया। आई वाह तेरा शुक्र, आई यस्सू तेरा शुक्र, आई पाखरू तेरा शुक्र, तेरा शुक्र मेरे सारे भक्तों के लिए। हालेलुया, तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हम यही गीत गाएंगे, पहाड़ों पे हंसते हैं, हंसना भी है, खुश भी होना। आमीन, पहाड़ कहते हैं ये जो मसले मसाइल बीमार के मुश्किलें होती हैं, आपने हंसना है और खुशी बनानी है। आमीन, और साथ आपने हदिया जा देने हैं। और हम सब जानते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक जितना ज्यादा बीज बोते हैं उसी के मुताबिक जैसे फसल आप बोते हैं। जो बेस्ट आपको आज कहता है वो जानिए। हमारे खर्चात हमें बहुत पीछे जा रहे हैं, हमें मदद चाहिए। कम से कम 2-3-4 लाख को तो हम पिछला सारा खर्चा उतार सकते हैं। मैं आपको साफ साफ बातें बताता हूँ, क्योंकि बात से कोई एंट्री होती मैं तो जाता हूँ, मैं अपने किराए पे जाता हूँ, मेरा किराया क्या होता है वो खुदा मुझे देता है, मुझे थोड़ा थोड़ा करके लोगों के पैसे अदरवाइज बात करने का लेके जाता हूँ। इसे याद रखे मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रैवल के लिए हम ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपसे दरखास्त है कि ये हमारा जो ऑफिस है, ये जो हमारी मीटिंग है, ये हमारा जो सारा काम है, इसको बढ़ाने के लिए प्लीज जो कुछ खुदा आपके दिल में डाले बेस्ट डालिए। उसके बाद आपके लिए एक आपकी दुआ की जाएगी जो पैसों के लिए खास ऑफर होगी। आइए खुशी के साथ डालिए और साथ डालिए पहाड़ों पे हंसते हैं। डालने के बाद खूब कामयाब जाइए, खूब जोर और खुशी से डालिए। अगर हम यह डाल के खड़े हुआ करते खड़े भी हो सकते हैं।
Okay.
को तेरे बेटे यीशु की नस्ल के नाम से ब्लेस करते हैं और ये बड़ा बीज बने, बड़ी बड़ी फसल बनकर इनके घरों में, इनकी जिंदगियों में रूहानी बोलते जिस्मानी और माली मौतों की शक्ति में जाहिर हो। हर कदम जब एक बड़ी बारिश को यहाँ पर कर रहा है, अब बड़ी मौत गुस्सादार बारिश अगले 5 फुट में चलते हैं ताकि हम घरों को रूह और आग से भरकर, कुदरत से भरकर, गुलाल से भरकर जाए। खुदा की सारे हदीय को तेरे नाम से मसा मखसूस करते हैं। जैसे कलाम में लिखा हुआ है जो मूसा था और खुदा के खादिम को हुक्म दिया जाता था कहन को कि वो अपने हाथ जमात की तरफ बढ़ाए। सबके साथ खुदा के बंदे बंदियां और टीबा के सब मिलकर हम दुआ करेंगे। खुदा की बंदी जब दुआ करेगी तो और मसा दिया आप में से कोई ऐसा ना जो गैर बालों के बगैर जाए, कोई एक भी ना हो जो ना आए, जिनको आरियां वो बोलने शुरू कर दे और खुदा के नाम में साफ तौर पर भर देगा। रब का शुक्र अदा करो। चला रहा आग बढ़ती जा रही है, आग बढ़ती जा रही है, ये सारी साइंस के ऊपर आग लग चुकी है। कोई आँख खुली ना हो, इस आग को रिसीव कीजिए, इस आग को रिसीव कीजिए। और ये शोले बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। नाम को देते हैं, तेरे संदर्भ नाम में मांग
देते हैं। आमीन आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे। मैं देखा बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। हम कोरोना वायरस के खिलाफ दुआ करेंगे कि खुदा अपने तमाम मुकदसों को बचाए, अपने मुकदसों को भी बचाए, जो गुनाहगार हैं उन पर जाहिर हो और उनको भी बचाए। आइए हाथ उठाकर दुआ करें। खुदा हम सारे मिलकर खुदा तुम्हें हमें इख्तियार दिया हुआ है, हम वबाओं को हुक्म दे सकते हैं। हम तेरे नाम से अगर खुदा ये वबा किसी को निजात के लिए आई है तो उनको निजात मिले, तो उन पर जहर हो जाए, उनको शफा मिले, मौत दे हो खुदा। अगर तेरे बंदे बंदियों का इसका वो जाएगा तो यीशु के नाम में उसको हुक्म देते हैं कि ये वबा उनसे दूर रहे, और अगर उन्हें आई है तो हम उनको हुक्म देते हैं उनको छोड़ दे यीशु के नाम में। तमाम दुनिया के मुकदसों को खुदा के बंदे बंदियों को यीशु में लह ले। हम इस वक्त ईमान के साथ मुकम्मल तौर पर महफूज करते हैं और यीशु के नाम में अगर किसी की जिंदगी में गुनाह भी है वो आ जाती है तो यीशु के नाम में वो गुनाह दूर हो, वो शख्स बदल जाए और दोबारा खुदा में आ जाए, हर बहार हो जाए, हर खुदा तेरी जिंदगी उसको मेरे ताकि खुदा को इस दुनिया में तेरा दुआ भर कर रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आइए हमारे एक भाई आशिर हैं आज इकबाल, वो हमारे 30 साल से बड़े रेगुलर मेंबर है, फैसलाबाद के हेड है। आइए वो बड़े बीमार हैं, सब हाथ उठाकर दुआ करें नाम लेकर भाई आशिर के लिए कि खुदा उसे नई जिंदगी दे, उसके बदन में जितनी बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, कुछ भी है, लंग्स में है, फेफड़ों में है, किसी में है, कई बार भी है, जिसका नाम से हो जाती है। खुदा सारे के हाथों में कहा जब लोग दस दिन का एक बात का इतना करेंगे तो मेरे बाप की तरह से स्मरण पर हो जाएगा। हम भाई आशिर को लेते हैं बहुत बड़ा फादर है जिसने 30 साल में हजारों लाखों लोगों के लिए बरकत का स्वाद बना है। आज जैसे लोग नाम जो ऊपर जब जाते लंग्स नए हो गए, हम लोग के लिए कैसे जो कुछ भी इसके अंदर है बीमारियां निकल जाए और उसका किडनीज नए हो गए जैसे के नाम में, उसके बदन में से शुगर के सारे टैक्स निकल जाए जैसे के नाम में, आज सर से दर्द होता जितनी बीमारियां निकल जाए जैसे के नाम में, आज शैतान और तुझे बांध देता है उसके घराने को छोड़ दो और अपनी खिदमत को तुम रोक नहीं सकते। हम यीशु के नाम से जिंदगी गुजारी करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, तेरा शुक्र है खुदा। आई बाप हम तेरा शुक्र करते हैं आज इस बड़ी हजूरी और कुदरत और मसा इसी तरह अपने लोगों के साथ अपने फिस्तों के साथ और हम सब तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में तुझसे मांग कर पा लेते हैं। हमें खुदा की सारी दुआ में शामिल होंगे।